हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की एक और नई वीडियो में। नए वीडियो की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और अभी हमारी तैयारी हो चुकी है खेत जाने की। अभी ना हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और आज भी हम लोग जा रहे हैं झंगोरे की गुड़ाई करने के लिए। और कल भी ना हम लोग झंगोरे की गुड़ाई करने गए थे, तो कल ना मैंने सुबह व्लॉग नहीं बनाया। कल मैंने दिन से स्टार्ट किया था और आज ना मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर है हमारे भैंस और ये देखो, ये ना कैमरा में कैसे देख रहे हैं, ये पहली बार देख रहे हैं कैमरा। और अभी ना मम्मी घर से आ रही है, यहाँ पे से ना हमको थोड़ा थोड़ा गोबर भी लेके जाना है और फिर हम लोग जाएंगे गुड़ाई करने के लिए। तो चलिए जी, बने रहिए आप आगे वीडियो में, जो भी होगा आज का दिनचर्या आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, जो हमने गोबर की कंडी लाई थी वो हमने ऊपर डाल दिया है और अब ना हम नीचे को जा रहे हैं। तो देखो, नीचे की साइड को है हमारी सारी, वहीं जा रहे हैं हम लोग अभी गुड़ाई करने के लिए, मैं और मम्मी। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ झंगोरा कैसा कैसा हो रखा है, बड़ा हो गया है गुड़ाई करने लायक। तो दोस्तों, फाइनली ना मैं पहुंच चुकी हूँ उस वाले खेत में जिसकी ना हमने गुड़ाई करनी है। तो ये देखो, ये है हमारा वो वाला खेत जिसकी ना हम लोग आज गुड़ाई करने वाले हैं, मैं और मम्मी। तो मम्मी अभी आ रहे हैं और मैं करती हूँ स्टार्ट। चलो, और ये देखो झंगोरा ना यहाँ कुछ ऐसा हो रखा है, मतलब बड़ा हो गया है गुड़ाई करने लायक। और ये देखो, सुंदर सुंदर फूल भी खिले हुए हैं यहाँ, ये वाले फूल। तो इनको ना हमारी गढ़वाली भाषा में अल्मोड़े का फूल बोलते हैं, तो यह है अल्मोड़ा। तो दोस्तों, अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम के 4 बजे, और दिन भर ना हम काम में बिज़ी थे। उसके बाद ना मैं और मम्मी, अभी तक ना मैं सोई थी, अभी उठ रही हूँ और अब तक हमने चाय पी, उठ के सीधे चाय पी। और अब देखो, हमको ना ये गेहूँ कूटने हैं, तो एक बार हम इसको कूटते हैं फिर इसकी बताई करेंगे। और आज ना हमारे गेहूँ की लास्ट है, मतलब लास्ट कुटाई है ये, मतलब इसके बाद ना अब गेहूँ नहीं है कूटने के लिए। तो ये देखो, और यहाँ ना अभी 4 बज रहे हैं, तो यहाँ अभी तक भी इतनी चटक धूप लगी हुई है, क्या ही बोलें। देखो ठीक सामने पे इतनी तेज़ धूप आई हुई है। तो अभी मम्मी भैंस को बांध रही है बाहर पे, और मैंने ना मुँह भी नहीं धो रखा, उठ के सीधे ऐसे वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखो, मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। और हमारे घर के ठीक सामने अगर सड़क की बात की जाए तो सड़क ना यहाँ से जाती है उधर को, ये देखो वहाँ ऊपर साइड को भी आज आग लग गई है। तो अभी धूप इतनी बच रखी है, अभी मैं और मम्मी कूटेंगे गेहूँ। और हमारी बिल्ली भी कहीं से म्याऊं म्याऊं करती, ये हमारी बिल्ली देखो। हेलो मिंटी, आप क्यों रो रहे हो? ये मम्मी की बिल्ली कुछ कुछ, ये पता नहीं क्यों रो रहा है। अच्छा, ये बच्चे होने वाले, इसके बच्चे होने वाले हैं कुछ दिनों में, हमारे घर खुशखबरी आने वाली है, देखो देखो देखो। तो अभी ना हम इसकी कुटाई करते हैं, फिर इसके बताई करेंगे। इसी पंखे से मेरे हाथ में ना छाले लग गए हैं, देखो इसको चला चला के। अभी ना मैंने और मम्मी ने कुटाई गेहूं की कंप्लीट कर दी है और उसको बत भी दिया है गेहूं को। तो अभी हालत देखो इतनी ख़राब हो गई है ना, पूरा भूसा ही भूसा घुस गया है। और ये देखो, अब ना हम इसको मटाएंगे, तो ऐसे करना पड़ता है पहले, जैसे ये गेहूं को ना हमने इस वाले पंखे से बताया, मैंने चलाया और मम्मी ने बताया, और अब मम्मी इसको मटाएगी, इससे जो है गेहूँ से वह निकल जाते हैं। इसको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं मटर, और इसको सब बोलते हैं, तो सभी को पता है। इसका भूसा इधर निकाल दिया हमने, अभी ना हम इसको भी इस कट्टे में भर देंगे हम। बाकी आज ना मौसम ख़राब होने लग गया है, तो देखते हैं क्या होता है, बारिश आती है या नहीं आती है।
आप क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो आप? क्या है ये? कुलकुला। कुलकुला खा रहे हो? कैसा लग रहा है आपको नानी का गांव? कैसा लग रहा है? अच्छा बोलो। अच्छा। अच्छा आपने क्या खाया? काफल भी खाया आपने यहाँ? कितना? बहुत सारे। अब हम सब लोग यहाँ पे देखो चाय पी रहे हैं शाम के टाइम, और अभी ना अंधेरा होने वाले हैं तो अभी हम चाय पी रहे हैं। इसके बाद हम लोग बनाएंगे खाना पीना। दादी, दादा, मम्मी और मितांश भी यहाँ खुश हो रखा है, कोई टेंशन नहीं है उसको, मस्त होके। यहाँ ना बहुत सारे बच्चे हैं उसके साथ खेलने के लिए। और ये हमारी छोटी वाली बिल्ली भी आ गई। ये देखो ये बिल्ली के पीछे कैसे लगा हुआ है। आ जा राम देवता, उसको कुरकुरा खिला रही है। तो दोस्तों अभी देखो मितांश ना यहाँ बिल्लियों के साथ इतना ज़्यादा खुश हो रखा है। और आज की वीडियो को ना मैंने बहुत ही कम बना रखा है क्योंकि सुबह से ना काम में इतने बिजी थे कि क्या ही बताएं। चलो चलो बिल्ली के साथ। और ये ना बिल्लियों के साथ इतना खुश हो रखा है, यहाँ एक नहीं दो दो बिल्लियाँ मिल गई हैं इसको, है ना? पांच। कितनी बिल्ली मिली आपको यहाँ? पांच। दो बोलो, वन टू। कितने मिले? दो। दो ऐसे करो, दो 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 बिल्ली मिल गई है इसको। और यहाँ पे ना दोस्तों नेटवर्क की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसके लिए ना मुझे नया सिम लेना पड़ा। परसों ही जियो का सिम लाई हूँ मैं, जिसपे भी ना मेरे जो अगर मेरे लंबे वीडियो रह रहे हैं ना तो वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। मेरे माइक में ना नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ मेरा जियो भी ना बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, इसलिए ना मैं वीडियो कम ही बना रही हूँ, केवल 9-10 मिनट की बना पा रही हूँ। और क्योंकि वो वीडियोस ना अपलोड नहीं हो रहे हैं, यहाँ ना यही समस्या है, यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक दो साल से यहाँ नेटवर्क आ रहा है, पहले तो मेरे माइक में ना नेटवर्क भी नहीं होता था। तो अभी मितांश भी, और आज से ना एक टेंशन और ख़त्म हो गई। हमारा जो गेहूँ है माइक में वो भी पूरी तरह कट चुका है, मतलब कूट दिया है हमने गेहूँ वगैरह। बस अब जो ये गेहूँ का घास आपको मेरे पीछे दिख रहा है यही संभालने के लिए रह गया है। और मितांश बिल्लियों को ऐसे मार रहा है ना यहाँ पे कि क्या ही बोलूं। चल उधर चल ए बिल्ली बोल। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।